आजकल की लड़कियां लड़कों को मोबाइल की तरह बदलती रहती हैं। नया मॉडल मिला नहीं कि सीधा बदल दिया। वसंती ऐसी लड़की नहीं है। बिछड़ते वक्त मैंने उसकी आंखों में तड़प देखी है। इस देश में लड़की के हंसने पर भी इल्जाम लग जाते हैं, पर मेरी सोच ऐसी नहीं है। प्यार भी क्या क्या खेल दिखाता है। जुदाई में प्यार लोगों को चैन से जीने नहीं देता और बिछड़ने के बाद चैन से मरने भी नहीं देता। पापा, भैया, क्या बात है? इसे कॉलेज से हॉल टिकट लेने जाना है ताकि ये फाइनल एग्जाम में बैठ सके। कोई जरूरत नहीं पढ़ने लिखने की, इसको कहो घर में बैठे। आरती ले लीजिए। एक पंछी को भी पिंजरे में ज्यादा देर तक बंद नहीं कर सकते। फिर ये तो हमारी बेटी है, थोड़ी आजादी तो इसे भी मिलनी चाहिए। तुम पे भरोसा करके छोड़ रहा हूँ। हाँ। उसे अपने निगरानी में रखना। हाँ। वसंती उससे मिलने न पाए। मेरे पास भी दिमाग है भैया, आप बिल्कुल मत घबराओ। हाँ। अरे जल्दी उतर, ये ले 100 रुपए और यहाँ से चलता बन। आईडी कार्ड के बिना किसी को एंट्री नहीं मिलती, तो अब क्या करें? आइए बुआ वहाँ चलते हैं। सुनो भैया, हम आधे घंटे में आ जाएंगे। हमारी बुआ तब तक यहाँ बैठ सकती है? अरे आइए आइए आइए। थैंक्स, वेलकम। फैन ऑन कर दो ना। अरे अभी कर देता हूँ। मेरी बच्ची, बैठिए बैठिए, जल्दी आना। रुकिए, बिराजिए। एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कॉलेज में आज हॉल टिकट मिलने वाली है? लगता है हॉल टिकट का बहाना बना के तू शिवा से मिलने आई है ना? ये क्या है? हा? टेबल दरवाजे के पास क्यों रखा है? इतने छोटे से रस्ते में इतना बड़ा टेबल रखा हुआ है। इस टेबल को वहाँ पर होना चाहिए। हा? अपने दिमाग के स्क्रू टाइट कर। वही तो कर रहा हूँ उल्लू की पट्टी। बुआ आपकी डांट में भी आशीर्वाद छुपा हुआ है। गर्लफ्रेंड? हाँ। सही पकड़े हैं। दिमाग का जादू है, लगे रहो लगे। थैंक्स, बुआ के लिए स्पेशल चाय। कादर का मैसेज है, बोल रहा है वसंती आज कॉलेज आएंगे। अशोक भैया। आजा आजा। कितना आलसी है तू, टेबल अब तक नहीं हटाई। टेबल दरवाजे के पास रखी है, धूल मिट्टी के नजदीक और लक्ष्मी से दूर। अरे इसे तो होना चाहिए। वाह 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 वाह, पहली बार मुझे कोई मेरे दिमाग की टक्कर वाला मिला है। और एक ये ढीला नट बोल्ट है जो कि हे 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 करके जब से आई हूँ दांत दिखा रहा है। तब समझेगा जब आप करके दिखाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ। आंटी आइए ना, हाथ लगाइए। आंटी प्लीज, उठाओ उठाओ, इसे उठा के यहाँ। तुम्हें अंदाजा भी इतने दिन से मुझ पर क्या बीत रही है? जीजा जी आके बोलते हैं कि तुम किसी और लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। फोन भी तुमने ऑफ रखा, एक बार भी सोचा नहीं कि मुझसे बात कर लो। मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत नाराज हैं। वो मुझे तुम्हें भूलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे मेरा फोन भी छीन लिया। तुमसे मिलने के लिए मुझे उनके सामने ये सब बदलने का नाटक करना पड़ा। लेकिन प्यार में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर प्यार में शक किया तो वो प्यार क्या? तुम चाहो तो मेरे घर आके मेरे पेरेंट्स से शादी के लिए मेरा हाथ मांग सकते हो, या फिर अपने साथ भगाकर किसी मंदिर में शादी कर लो। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। डरो मत, तुम बेफिक्र होके घर जाओ, मैं सब संभालूंगा। भला मैं क्यों डरूं? मेरा प्रेमी पता है ना कौन है? शिवा है, शिवा। अब देखना तुम्हारा लक कैसे गंगम डांस करने लगेगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ क्यों बेटा, हॉल टिकट मिल गया ना तुम्हें? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, बुआ के साथ जो आई हूँ। ओके बाय बाय। अच्छा अशोक चलते हैं। वसंती के बारे में तूने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी थी। चलो बे। जरा उसे देखो, मुझसे कितनी बदतमीजी कर रहा है। देखा कैसे डर गई मुझसे? शक्ल से तो ये एक नंबर का बंदर लग रहा है। ए, क्या हो रहा है, क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग? तेरे साथ की क्या, तेरे साथ की क्या? तो नहीं लग रहा कि हम तुझे नहीं देख रहे आंटी? ए, मुझे आप मारोगे, तुम सबकी आंखें नोच लूंगी मैं। आगे सीट पे बैठना आंटी। किसका फोन है? चलिए चलो बैठ।
अरे क्या हुआ? आ तू भैया, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? ए, तो अपना काम कर, समझा? ए, तमीज से बात कर, नहीं तो यही उतार दूंगा। उतार दोगे? ए, लास्ट चांस देता हूँ, मुझसे प्यार कर, नहीं तो तेरी जिंदगी नरक बना दूंगा। उछल ले जितना उछलना है, तेरा टाइम खत्म होने वाला है। मेरा टाइम तो अब शुरू हुआ है। ए, कंडक्टर, चुपचाप क्या खड़ा है? पुलिस को फोन लगा। पुलिस को फोन लगाएगा? जा फोन कर। कब से समझा रहा हूँ, मेरी बात सुन, मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। अशोक, तेरा ही फायदा है। ये लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। मार खाके भी भेजे, मैं तेरी बात घुसी नहीं। शिवा, बीच में टांग मत अड़ा, समझा? शिवा, मैं तुझसे ज्यादा इससे प्यार करता हूँ। अगर ये मेरी नहीं हुई तो मैं इसके चेहरे पर ऐसे डाल दूंगा। फेंकेगा, हाथ ही तोड़ दूंगा। मार ले, जितना मार ले। तुम लोग सुनो, बस को सीधे पुलिस स्टेशन ले चलो। बाबू आँख खोल। बाबू, ये क्या हो गया यार? बाबू बाबू, अरे ये तूने क्या कर डाला शिवा? आगे खोलो बाबू, देख आगे खोलो बाबू, आगे बाबू, उठ जा बाबू, बाबू ए उठ बाबू, देख उठ, एक एम्बुलेंस आ गई है। क्या देखिए क्या हो गया बाबू को, जल्दी करो स्टेशन लेकर आओ। बाबू लड़की पे एसिड फेंकने वाला था, पर वो गिरा कैसे पता नहीं। ए, क्या कर रही है तू? अरे बसो भाई, अपने आपको संभालो। संभालो छुट, चुप हो जाइए, संभालिए अपने आप। देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरा बाबू। मदद मदद मदद, तू आ गया, देखना क्या हो गया तेरे दोस्त को। दिन भर मदन मदन तुझे याद करता रहता था। मेरे बेटे की आखिर क्या गलती थी? ऐसा अन्याय भगवान ने मेरे बेटे के साथ ही क्यों किया? क्यों किया? किसी ने मेरे घर का चिराग बुझा दिया मदन। मदन मदन, वो लोग कौन थे जिसने मेरे बेटे की आज ये हालत की है मदन? हमने उनका क्या बिगाड़ा था? अरे अरे, मेरे तो पाँव नहीं है। मैं सोचता था कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, अब तो मेरा सहारा भी छिल गया। मैं क्या करूँगा? मेरे बेटे की मौत का मतलब कौन लेगा, बता दू मुझे। शरम, वसंती, उससे मिलने के लिए मना किया था ना, तुम्हारी वजह से हुआ सब। पर मुझे नहीं पता था कि दिन भर हर किसी के सामने अपने दिमाग के डिंगे मारते फिरती है तू, और कल की लड़की से उल्लू बन गई। शर्म कर, तुझ पे भरोसा करके गलती कर दी मैंने। दामाद जी, हाँ जी, पंडित को फोन करो। हाँ। शुभ मुहूर्त हो या ना हो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। हाँ। इसकी शादी जगन से करवा दो। ए, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? वसंती पर अभी भी गुस्सा है क्या? मैं वसंती पर गुस्सा नहीं हूँ, मुझे शिवा पर गुस्सा आ रहा है। खुद को दोस्त बोलता है? अगर मुझे पहले बता देता तो उसकी कॉलर पकड़कर ठीक कर देता। ए, कॉलर तुम्हारे पास भी है, वो भी कॉलर पकड़ सकता है। अगर तुम्हारी लड़ाई होती और तुम्हारे हाथों कोई मर जाता तो शिवा की तरह तुम भी जेल में होते। शुक्र मानो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी तो शादी हो रही है, खुशियाँ मनाओ, बी हैप्पी। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है सर। अबे, जेल से बेल पर छूट कर आ रहा हूँ, थोड़ा हंस के तो स्वागत कर। सॉरी यार, उस दिन जो हुआ वो गलती। अरे छोड़ना यार, अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं उसे डांट कर समझा सकता था ना। ना ही वो मरता ना तो जेल जाता।
अच्छा सुनना, तेरे जेल से छूटने की खुशी में मैं पार्टी दे रहा हूँ, चलना। नहीं यार, मेरी गलती की वजह से पापा ने मेरी शक्ल तक नहीं देखी है, मुझे घर जाना चाहिए। ठीक है, पार्टी फिर कभी। पार्टी उधार है। दादी शांत हो जाइए। मेरा बच्चा शिवा, क्या हो गया मेरे राजा बेटा? तुझे किसी की नजर लग गई? तू ठीक तो है ना बेटा? को देख, आज उनकी आत्मा तड़प रही होगी। उन्होंने कभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटे थे, पर आज उनका पोता जेल जा गया है। इन सबको छोड़ने की दवा। बोल बेटा, क्यों किया ऐसा? ए वीरभद्र देख, शिवा जेल से आ गया। तूने जितनी इज्जत कमाई थी इसने सारी मिट्टी में मिला दी। चुप रहिए, कुछ भी नहीं होगा। चुप हो जाइए। क्या चुप हो जाइए? ये क्या तमाशा लगा रखा है? बेकार का नाटक। कोई मर गया है क्या यहाँ पर? आप भी कम नहीं है। जाइए सब लोग यहाँ से, जाइए यहाँ से। प्लीज चले जाओ, बाद में मिलता हूँ। चलिए सब बाहर निकलो। चलो चलो, आज सुबह आने का कंपटीशन रहेगा ना, तब फॉर्म भरवा दूंगा। चलो चलो चलो। हाँ, क्या देख क्या रही हो? जाओ ना, जाओ 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 जाओ, सबको चंदू भाई बुला रहे हैं। चलिए, तुम लोगों के पास इतना भी दिमाग नहीं कि कब शोर मचाया जाए और कब अपना मुंह बंद रखा जाए। घर का बच्चा इतने दिनों के बाद लौटा है, ये भी नहीं पूछा कि ठीक से खाया कि ठीक से सोया। सबके सब तमाशा करने में लग गए। प्यार चिल्ला कर दिखाने के बजाय शांत रहकर भी दिखा सकते हैं। मैं तुम लोगों की जगह होता तो इस तरह नाटक नहीं करता। ये लो, इसके मनपसंद समोसे लाया हूं। नहाने के लिए पानी गर्म करो, जाओ। सॉरी बेटा, मैं तेरे केस के लिए एक वकील से मिलने गया था, इसलिए तुझे लेने जेल नहीं आ सका। हाँ, जाओ। भैया जी, पंडित ने ये मुहूर्त भेजा है। शादी का मुहूर्त रात के 10 बजे के पहले? तो सारे मेहमान शादी अटेंड कर पाएंगे ना? जाओ जाके पद्मा को भेजो। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि सब्जियों को भिगो कर काटना चाहिए। पद्मा, भैया तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ भाभी, बोलो। पंडित जी ने शादी की 3 तारीखें भेजी हैं। आपको जो भी तारीख पसंद है बता दीजिएगा। भाभी, अच्छा मुहूर्त देखकर फिक्स कर दो ना। ठीक है। दो कटिंग देना साहब। चाय? क्या रे राजू, आज चाय देने में इतना काप क्यों रहा? ये सब तुझे प्रोफेशनल किलर समझने लगे।